से हैं बेटा, अब झगड़ना नहीं, मेरी बेटी का ख्याल रखना। लोग प्लीज पहुंचते ही कॉल कर दीजिएगा। लेकिन मेरी एक बात तुम याद रखना, अब अगर मुझे तुम्हारी एक भी शिकायत मिली ना, तो मैं सबूही को खुद उसके घर छोड़कर आऊंगा। नहीं होगी, आई प्रॉमिस। चले, देर हो रही। बेटा अपना ख्याल रखना और उसका भी। ओके। ऐसे काम जा रही हो? हाथ छोड़ो मेरा जहर। Listen, I'm sorry. क्या इतना हक भी नहीं बनता मेरा कि माफी मांग सकूं तुमसे? तुम्हें मरने का बहुत शौक है ना? जाओ अपनी गन लेकर आओ। यार कोई और रास्ता समझ नहीं आ रहा था मुझे। तुम बिल्कुल बात सुनने को तैयार नहीं थी, मैं क्या करता? सैम मेरी एक बात है, तुम ध्यान से सुन लो। अगर आइंदा कभी तुमने ऐसा पागल बन किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं नहीं करूंगा, I promise you, पागल का पर भी नहीं करूंगा। पता है, मैं कल चाचा जान के घर जाऊंगा, मतलब हम जाएंगे और मैं माफी मांगूंगा उनसे। हमारे सामने हम पूरा दिन उनके साथ स्पेंड करेंगे, बल्कि हम संडे उनके साथ स्पेंड किया करेंगे हमेशा। वो मानेंगे तब ना। मान जाएंगे। मैं ज़ैन हूँ, किसी को नाराज कर दूं तो मनाना आता है मुझे। और वैसे भी चाचा जान जो है ना, वो मुझसे ज्यादा भी नाराज रह ही नहीं सकते। मान जाएंगे। साहब ये बातें छोड़ो ना, मुझे इतनी भूख लग रही है कि मैं क्या बताऊं। एक काम करते हैं, घर का बोरिंग खाना छोड़ के आज जरा बाहर डिनर करते हैं, पहले चेंज करते हैं नरमी को। जैन, मुझे लग रहा था कि हमारा साथ आगे नहीं चल पाएगा। क्यों? तुम्हें लगता है इतनी आसानी से मैं तुम्हें जाने दूंगा? दरअसल पहले जितने भी मसले हुए ना, हमेशा हम दोनों के बीच में रहे, पर इस बार जो भी हुआ सबके सामने हुआ। बस मैं डर गई थी। कहा दो, चाहे कुछ भी हो जाए ना सो, मैं वादा करता हूँ तुमसे, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं। अरे इससे पहले इसका सूप बन जाए, खा लो। Thank you.
missed you so much all these days.